तो चलो प्यारे बच्चे, इस वाले क्वेश्चन को देखो। इसमें क्या कहा जा रहा है कि अगर मैं वाई डी एस सी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करता हूँ, और सबसे पहले मैं उसको कहाँ परफॉर्म, दो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट से परफॉर्म करता हूँ। पहला मैंने यूज किया जो ब्लू लाइट है उसको यूज किया, तो जो ब्लू लाइट है उसको अगर मैं यूज करता हूँ तो ब्लू और एक ग्रीन, ठीक है, इनका लैम्डा अलग अलग है, लैम्डा ऑफ ब्लू इज लेस देन लैम्डा ऑफ ग्रीन, ये बात आपको दिख रही है क्वेश्चन से। और वैसे भी बिबग्योर से भी ये बात तुम निकाल सकते हो कि अगर इधर से इधर जाते हो तो लैम्डा की वैल्यू इंक्रीज होती है, तो लैम्डा ऑफ ग्रीन जो है वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू वो ब्लू, ठीक है ना। तो ये यहाँ से अब फोर्थ मैक्सिमा का लोकेशन हमें पता करना है, तो फोर्थ मैक्सिमा कहाँ लोकेट होता है, तो ये जो स्टैंडर्ड सेटअप है आप आई होप कि पढ़े होगे, तो यहाँ पर मैक्सिमा बन रहा होगा। तो फोर्थ मैक्सिमा जो पाथ डिफरेंस है डेल्टा एक्स, उससे निकाल लो, तो ये स्मॉल डी है, ये कैपिटल डी है, ये वाई है। तो यहाँ से तुम देखोगे पाथ डिफरेंस वाई स्मॉल डी डिवाइडेड बाई कैपिटल डी इज इक्वल टू, मस्ट बी इक्वल टू इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई टू, इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई टू फॉर मैक्सिमा। तो जनरल लोकेशन ऑफ वाई मैक्सिमा आ गया, हो जाएगा एन लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी। अगर आपको ये फार्मूला याद है तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, मैं आपको नहीं रोकूंगा, ठीक है। तो यहाँ से तुम देखोगे तो यहाँ से जो वाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के, ठीक है, और फोर्थ मैक्सिमा एन क्या है, फोर्थ मैक्सिमा लैम्डा डी सेम है, मतलब जिसका लैम्डा अधिक होगा उसका जो वाई है, यहाँ पर एक्स है, एक्स कंसिडर किया गया है, उसका एक्स भी अधिक होगा, मतलब ग्रीन का लैम्डा, लैम्डा ऑफ ग्रीन इज ग्रेटर देन लैम्डा ऑफ ब्लू, सो एक्स ऑफ ग्रीन इज ग्रेटर देन एक्स ऑफ ब्लू, मतलब जो जहाँ पर ग्रीन जब यूज करोगे तो वहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा डिस्टेंस पे फोर्थ मैक्सिमा बनेगा, और जब ब्लू यूज करें थोड़ी सी कम पे बनेगा, तो ग्रीन की अधिक आएगी, मतलब अपना ये सी ऑप्शन सही है। थैंक यू।